हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। काफ़ी टाइम बाद आपके बीच आना हुआ है, क्योंकि शेड्यूल और लाइफ की व्यस्तता के कारण मैं आपके बीच नहीं आ पाया था। तो आज हम हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव की ओर, और अपने गांव से हम थोड़ा सा और दूर निकले हैं। एक सीमांत गाँव जिसका नाम है गंगी, ये बिल्कुल सीमांत गाँव है और बहुत ही मतलब एक आप देख सकते हैं, अभी मैं पीछे का नज़ारा आप देख रहे होंगे, हम बिल्कुल एक लगभग चाइना बॉर्डर के पास आप इस गांव को समझ सकते हैं। हेलो गाइस, ये हमारी पूरी टीम, भाई लोग और हम लगभग 6 लोग यहां पर आज गंगे भ्रमण की यात्रा पर हैं। तो दिखाएंगे गाड़ी भी, दिखाएंगे। संपर्क करें नंबर। तो अभी आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं, यहां का जो लोगों का रहन सहन है, यहां का जो कल्चर है, यहां के घर कैसे बने हुए हैं, तो एक बार उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आपको जो उत्तराखंड के जनपद टिहरी गढ़वाल का बिल्कुल जो सीमांत क्षेत्र है गंगी, उसका हम आपको दर्शन करवाते हैं और आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पर आज भी जो है, यहाँ के जो घर बने हुए हैं ये पुरानी तर्ज पे हैं, जैसे पहाड़ों पर घर होते हैं। ये देखिए आप, तो पुराने तर्ज पर ये घर बने हुए हैं, और आज का भी यहाँ का जो रहन सहन है बिल्कुल पहाड़ों का जो वास्तविक रहन सहन है उसी तरीके का कल्चर अभी यहाँ पर है। और अभी हम हैं यहाँ पर सोमेश्वर देवता के मंदिर में, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रचारधारी देवता हमारे सोमेश्वर देवता। पीछे आप पीछे का आप नज़ारा देखिए, बिल्कुल ये पहाड़ों पर बॉर्डर का क्षेत्र ये है, और ये हम शिवालय में पहुंच गए हैं। ये भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का पौराणिक और दिव्य मंदिर है। इस मंदिर में आज भी हम और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है प्योर पत्थरों से इसे बनाया गया है, और इस पर सीमेंट या इस तरीके से किसी भी चीज़ का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। ये प्योर पत्थर से बना हुआ है, और पत्थरों के ऊपर ही कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। जी देखिए, ये पुराने लोगों ने, जो पूर्वज रहे इस गांव से, जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने इसका निर्माण किया होगा, और जो शिवलिंग है, जो भगवान शंकर का जो लिंग है वो साक्षात है और पौराणिक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने यहाँ पे इसको स्थापित किया है, स्थापित किया हुआ नहीं है, वो जो है पौराणिक प्राकृतिक, जिसे हम बोल सकते हैं प्राकृतिक शिवलिंग यहाँ पर है। ये भगवान शिव शंकर का मंदिर है। ये यहाँ पर पहाड़ों का नज़ारा, यहाँ पर देखिए आप बर्फ़ गिरी हुई है ऊपर पहाड़ों पे, और यहाँ कहीं ना कहीं मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हमारी फोर्स और चाइना फोर्स जो है यहाँ ऊपर, यहाँ कहीं बॉर्डरों पर, ये जो कहीं बॉर्डर होंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं तैनात होगी, बट मुझे इसकी मुझे श्योर जानकारी नहीं है वो कहाँ पर है, किस तरीके से कहाँ तैनात है, या वो कितनी दूर है, सीमा कितनी दूर है यहाँ से। ये हमारा लगभग ये पवाली का क्षेत्र है,
पवन भी बहुत अच्छा सुंदर और बहुत ही मनमोहक दृश्य है पवाली का भी। अगली बार जाएंगे तो पवाली को भी एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे पवाली का जो व्यू है बिल्कुल टॉप में, जो हमें ये वाला जो पॉइंट हमें दिख रहा है ये सारा पवाली का क्षेत्र है और बहुत ही अच्छी जगह है पवाली। तो अगली बार कभी ऐसा जाना हुआ तो वहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये गंगी का नज़ारा और इसके साथ साथ ये जंगल और पेड़ पौधे, नेचुरल हवाएं जो चल रही हैं। अभी भी हमें यहाँ पर जो ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि ये गर्मी का टाइम है, जून का टाइम है और यहाँ पर आप मौसम देख सकते हैं, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। ये लोगों ने बाड़े घेर रखे हैं और इसमें आलू वगैरह और विभिन्न प्रकार की खेती सब्जियाँ यहाँ पर उगाई जाती हैं। और यहाँ पर मुख्यतः जो है आलू हो गया और राजमा की खेती यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर ये आलू की खेती यहाँ पर की हुई है स्थानीय लोगों ने। यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों द्वारा जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में आलू की खेती की जाती है। और यहाँ का जो आलू है, गंगी का आलू काफ़ी फेमस है और दूर दराज तक लोग जो हमारे लोग यहाँ से शहरी क्षेत्रों में रहते हैं वो भी स्पेशल यहाँ से आलू ले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट और एक बड़े साइज़ का आलू यहाँ पे होता है और ये लोग काफ़ी अच्छी मात्रा में आलू की उगाई भी करते हैं। ये देखो, ये पुराना मकान बना हुआ है और इस मकान पे जो कलाकृतियाँ पुरानी बनी हुई हैं और आज भी ये मकान यहाँ पर जीवित है, क्योंकि इस तरीके के मकान और इस तरीके के जो डिज़ाइन है अब कहाँ कहीं पर देखने को मिलेंगे। ठेका भी दादा के पास था, ये वाला उन्होंने ही सारा काम निपटाया, ये वाला। अच्छा अच्छा, ये डिज़ाइन ये हमारे गाँव बजराम से और कलाकारी होकर मैं पता है भैया गुरु पाप है। और अब हम गंगे से नीचे उतर चुके हैं और हमारा थोड़ा सा अपने साथ हम भोजन लेके आए थे, भोजन की व्यवस्था है। और भोजन की व्यवस्था के लिए जो हम अपने साथ खाना बना के लेके आए थे होटल से, अपने पैकिंग लेके आए थे, उसको खाने के लिए हम यहाँ पे नीचे गंगे में जाने वाले हैं। ये पानी का जो ये माहौल है और उन पत्थरों के ऊपर बैठ कर हम वहाँ पर अपना भोजन करेंगे, लंच करेंगे। और ये भाई लोग यहाँ से निकलते हुए और ये यहाँ पर नज़ारा बहुत ही सुंदर, ये बिल्कुल प्योर और प्राकृतिक पेड़ों की जड़ों से जो पानी निकल के आ रहा है वो पानी यहाँ पर है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल हमारा बना हुआ है, यहीं पे हम अपना भोजन करने वाले हैं। भोजन हमने अभी अब तक खोलेंगे, पैकिंग हम लेके आए हुए हैं अपनी। और इसी बीच, इसी पानी के बीच हम अपना लंच करेंगे और फिर आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। और हम अभी निकल चुके हैं और यहाँ से हम अभी घुट्टो पहुँचेंगे और घुट्टो के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे।